नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी BMR पे असर कर रही हैं, जो कि आप बिस्तर पर बड़े बड़े ऊर्जा खर्च कर रहे हो उस पर क्या चीज़ें जो असर कर रही हैं। देखो, मैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कुछ खास चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूँगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप शराब पी रहे होगे नहीं या सिगरेट पी रहे होगे नहीं, इससे आपकी BMR क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं इन चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। मैं एक आम आदमी के लिए जो कि सेहतमंद रहना चाहता है और सेहत के बारे में सोचता है, जो शराब सिगरेट और नहीं पी रहा, उसके लिए नॉर्मल बात करूँगा। सबसे पहले तो आपके जेनेटिक्स जीन्स क्या, आपकी हेरिडिटी क्या है, उस पर होता है निर्भर। दूसरा, आपके शरीर में हारमोन्स का कौन सा हारमोन कितने हैं उस पर भी निर्भर होता है। तीसरा, आपको कोई बीमारी है क्या नहीं, जैसे हाइपरथायरॉइड होता है उसमें आपकी BMR बहुत बढ़ जाती है। ये तीन वो हैं जो कि आपके कुछ खास नियंत्रण नहीं है, जिनका जिनके ऊपर आपका आपके कुछ खास कंट्रोल में नहीं है। तो ये हो गए तीन, और तीन की बात कर लेते हैं कि एक अगर आपके शरीर में मसल ज़्यादा है, मांसपेशियाँ ज़्यादा है, तो आपकी BMR ज़्यादा होगी। मसल कम होती है तो BMR कम होगी। आप कितना खा रहे हो उस पर आपकी BMR से उससे भी आपकी BMR फर्क पड़ता है। आप बहुत कम खाने लग जाओगे तो आपकी BMR कम होने लग जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो अभी BMR बढ़ सकती है। आप कितनी चिंता कर रहे हो उससे भी फ़र्क पड़ता है। आप चिंता तो देखो, वही आपने भी सुना होगा, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। तो चिंता तो देखो नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ में नुकसानदायक है, सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी चीज़ में नुकसानदायक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग बहुत चिंता करते हैं, जिस दिन आपको बहुत चिंता होती है तो उस दिन आपको बहुत भूख लग जाती है। आपको ऐसा आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो कई लोगों को बीमारी सी होती है कि जब उन्हें बहुत चिंता होती है तो बहुत खाते हैं। उनका शरीर उस वक्त क्या है, वो दिमाग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो दिमाग बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने लग जाता है सोचने में, उनको भूख ज़्यादा लगती है। तो मतलब वो अपने BMR में फ़र्क ले आता है चिंता करके। तो ये तीन है जो कि आपके बस में है, चिंता नहीं करना, कितना खा रहे हो ये, और कितना आपके शरीर में मसल है। अगर मसल कम है तो आप कसरत करके बढ़ा सकते हो, ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हो, मतलब खाना छोड़ दो धीरे धीरे आपकी मसल लॉस हो जाएगा ऐसे, तो या बहुत कम खाना शुरू कर दो धीरे धीरे आपका मसल लॉस हो जाएगा। तो ये तरीके हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण आपकी BMR में बहुत फ़र्क पड़ता है। इस वीडियो में ये बताना चाहता था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। अगले वीडियो में।